हमारे पूर्वज जो हमारे आदर्श थे उनके ऊपर चढ़ के चप्पलें चढ़ा के उनकी तलवार उनका भाला उस पे चढ़ के पेशाब करते हैं। ये बहुत ही अखिलेश यादव के रोड शो के बाद गरमाई मैनपुरी की धरती। सपाइयों के हंगामे को लेकर दो मामले हुए दर्ज, साथ ही साथ धरपकड़ भी हुई शुरू। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपाइयों ने जताया अपना रोष। आचार संहिता के उल्लंघन समेत पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी का मामला भी हुआ दर्ज। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। शनिवार शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर गाली गलौज की गई थी। रोड शो समाप्त होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने करहल चौराहे पर हंगामा किया। इस दौरान महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल पर चढ़कर सपा का झंडा लगाने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल उपद्रवी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। करहल चौराहे पर भाजपाइयों की भीड़ जमा होने लगी। भाजपा कार्यकर्ता उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की शाम सपा का रोड शो शुरू हुआ था। इसमें शामिल समर्थक जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। रात के समय रोड शो जब करहल चौराहे के पास समाप्त हो गया, इसके बाद रोड शो में शामिल हुए कुछ युवाओं ने चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थल पर जमकर नारेबाजी की और वहां पर सपा का झंडा लगाने की कोशिश की। जानकारी होने के बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी वहां मौके पर पहुंच गए। सपा के लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग करने लगे। भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सपा के गुंडों ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्ति के साथ छेड़छाड़ भी की है। आइए आपको इससे जुड़ा एक वीडियो दिखाते हैं। पुलिस आई है, क्या हुआ? कुछ दिनों पहले हमारे योगी जी का रोड शो पूरे शहर में हुआ, कोई भी शिकायत नहीं पूरे शहर में, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के गुंडों का रोड शो था। और आप देख सकते हैं हमारे पूर्वज जो हमारे आदर्श थे उनके ऊपर चढ़ के चप्पलें चढ़ा के उनकी तलवार उनका भाला उस पे चढ़ के पेशाब करते हैं। ये बहुत ही पूरा समाज में पूरी वीडियो है, पूरे फोटो है, मूर्ति पे चढ़ के हमारे पूर्वज हमारे आदर्श हमारे सब कुछ है महाराणा प्रताप, लेकिन उनका 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 जो अपमान किया है समाजवादी पार्टी ने, पूरा क्षत्रिय समाज कभी नहीं भूलेगा जो उनने अपमान किया हमारे महाराणा प्रताप का, कभी पूरा क्षत्रिय समाज नहीं भूलेगा। हंगामे की सूचना मिलने के बाद एसपी विनोद कुमार, एएसपी राहुल मिठास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने मूर्ति स्थल पर चढ़कर नारेबाजी की है, झंडा लगाने की कोशिश की है। सीसीटीवी से पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, पहचान कर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यवाही का आश्वासन दिया और उनका आक्रोश शांत करवाया। घटना को लेकर एक प्राथमिकी कोतवाली के उप निरीक्षक हरिभान सिंह गौतम ने 100 अज्ञात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर और लाल टोपी लगाकर पैदल व बाइकों से आए सपा कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। वरिष्ठ नेताओं को भी लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके साथ ही बिना अनुमति गुब्बारे और झंडों की लड़ी चौराहे पर बांध दी गई। दूसरा मामला भाजपा कार्यकर्ता अक्षय राठौड़ ने दर्ज करवाया है, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव का रोड शो शाम करीब 7 बजे सतीश नरसिंह के पास जा रहा था, तभी रोड शो में शामिल समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाली गलौज की गई। अक्षय राठौड़ ने गाली गलौज का वीडियो भी पुलिस को दिया है। करहल चौक पर सपा के रोड शो के दौरान हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने 100 उपद्रवियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज़ पर।